चलो यहाँ से शुरुआत। वैसे गाइस यहाँ पर ज्यादा स्पेस तो है नहीं, लेकिन जितना स्पेस है उतने में मुझे काम चलाना पड़ेगा। बहुत दिन हो गया गाइस, दिन कह रहा हूँ महीने हो गए। उल्टी मत कर देना, उल्टी मत करना। उल्टी कर देता है, जीभ बाहर निकालता नहीं तो उल्टी कर देता है। उल्टी नहीं करना। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग वीडियो। और आप सबका फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। आज की सुबह की शुरुआत धूप की किरणों के साथ। देखो आज मौसम अच्छा है, थोड़ा थोड़ा सा फॉग नजर आ रहा होगा आपको, और आसमान साफ है। ये देखो क्या मस्त नज़ारा हो रहा है। अभी गाइज मैं जा रहा हूँ छत पर, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ नहाने। मैं लगभग दो दिनों से नहाया नहीं हूँ, और अपना चीकू सो रहा है, तभी पानी गर्म करने के लिए चढ़ाना है गाइस मुझे। ये है सुबह का नज़ारा। सुबह कितना टाइम हो रहा है अभी? अभी टाइम हो रहा है गाइस, हाँ करेक्टली 9 बज चुके हैं। तो 9 बजे जा रहा हूँ नहाने, आज बहुत सारे काम है तो वो सारे काम निपटाने हैं। ये देखो मेरी टंकी टूटी हुई है गाइस, मतलब टूटी क्या हुई है, काट दी मेरे भाई ने। इसके अंदर पानी स्टॉक करके रख लेते हैं, ये जो छत का पानी गिरता है ना, ऊपर 3 टंकियाँ लगी हुई है, तो हम इसमें स्टॉक करके रख लेते हैं। और यहाँ पर फालतू के जो कपड़े वगैरह धोने हो ना, तो यहाँ पर धो दिया जाता है। बाकी गाइस देखो आज का ब्लॉग कैसा जाता है, आई होप कि आज का ब्लॉग अच्छा जाए। अब वेदर पहले से साफ हो गया है गाइस, अब ठंड थोड़ी बड़ी है ना, तो धूप जो लग रही है वो थोड़ी अच्छी लग रही है, मतलब सुनहरी सुनहरी सी लग रही है। बाकी यहाँ पर तो शिमला वाली कभी फीलिंग आ ही नहीं सकती। शिट, कुछ ज्यादा ही भर दिया यार। गाइस छत के ऊपर तो रॉड दिखी नहीं, पानी गर्म करने वाला। पानी गर्म करने वाला रॉड नीचे है, ऊपर तो नहीं है। गाइस ऊपर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसके नीचे पता नहीं कहाँ है वो डंबल पड़ा हुआ। एक्सरसाइज, हाँ थोड़ी सी आज एक्सरसाइज भी कर लूंगा गाइस, थोड़ा सा फिटनेस बनाए रखना बॉडी के अंदर बहुत जरूरी है ना, वरना मैं ऐसे भी तो ऐसा हो जाता है कि कोई कपड़े फिटिंग के आते ही नहीं, अच्छे नहीं लगते। देखता हूँ इधर होगा। सो फाइनली गाइस रॉड हमारा मिल गया, ये 10 मिनट में ही गर्म हो जाएगा, फिर वापिस नीचे से ऊपर आऊंगा। तब तक थोड़ा सा ना बाइसेप्स शोल्डर पुशअप मार लेता हूँ, अपना डंबल इसको इधर रख देता हूँ। कार्टून थोड़ा सही है, चलो यहाँ से शुरुआत। वैसे गाइस यहाँ पर ज्यादा स्पेस तो है नहीं, लेकिन जितना स्पेस है उतने में मुझे काम चलाना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ ये थोड़ा ठीक रहेगा, है ना। चश्मा उतारा, सूर्य नमस्कार। बहुत दिन हो गया गाइस, दिन कह रहा हूँ महीने हो गए ये ना करते हुए। ठंड लग रहा है यार, फर्श ठंडा हो गया ना, बॉडी अकड़ सी रही है। पहले तो ऐसा था कि मैं रोज करता था गाइस, जिस दिन ना करूँ ना उस दिन मेरा दिन ही अच्छा नहीं जाता। काउंट नहीं किए, पर आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने 7-8 नहीं उससे ज्यादा ही मारे होंगे, 15 से तो ज्यादा मारे। बस ज्यादा नहीं करना चाहूंगा, किया था गाइस मैंने कल भी था, बट मैंने कल शूट नहीं किया था, मैंने सोचा कि कल थोड़ा फॉर्म कर लेता हूँ। और कल जो किया था ना, आज मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि यार कितना हल्का है ये बंदा, मतलब सच में बहुत हल्का हो गया हूँ गाइस। बस गाइस आज के लिए इतना ही, मेरा पानी ऊपर गर्म हो गया होगा, अब वो खोलने लग गया, तो अब जा रहा हूँ नहाने के लिए गाइस। गर्म हो गया गाइस, ज्यादा गर्म हो गया ये तो। सो गाइस यस, अपने बाबू का पैंट ये भी गीला हो रखा है, ये भी ग्रीन वाला भी गीला हो रखा है, और इधर देखो तो ये फलिया भी गीला हो गया है।
सब मैं सूसू कर करके गीला कर दिया है। तो अभी फिलहाल इसको लेके जा रहा हूँ छत पे गार के पसारने के लिए, क्योंकि अभी ठंडी का टाइम है ना, तो जितने भी पेशाब करता है, मतलब हर एक घंटे बाद दो घंटे बाद पेशाब करता रहता है, तो पैंटे उसके पास कम पड़ जाती है, तो ये जो है इसको अभी गार देता हूँ, ये सूख जाएगी। देखो ये तो अभी धूप बहुत तेज हो रही है। तो गाइज मैंने बाबू का पैंट तो डाल दिया है धोने के लिए, और गाइज इधर अपना आ गया है सुबह का ब्रेकफास्ट। ये बने थे कल मिर्ची के पकोड़े, और ये दाल, और ये आलू की सब्जी और रोटी। तो ये है मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट, और मैं आपका भाई यहाँ पर नहा धोकर फटाफट से तैयार हो गया है। ये आज थोड़ी धूप तेज है ना, तो मैंने हरी वाली टी शर्ट पहन रखी है, हाफ वाली है, वैसे थोड़ी देर के बाद मुझे ठंडी लगना स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं फुल बाजू की टी शर्ट पहन लूंगा। तो फटाफट से भी नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज देखो यहाँ पे टाइम दिखा देता हूँ, 3:20, और गाइज आज मैंने ब्लॉग डाला नहीं है, कल का शूट किया हुआ है मेरे पास, तो अभी मैं फिलहाल डालने वाला हूँ। और आज मैंने ये पिछले साल खरीदी थी टी शर्ट, फुलबाजू की है, कैल्विन की है, पर इसका थोड़ा सा ना कलर उड़ गया है गाइस। मैंने ये पटना से खरीदा था, इसके साथ एक और टी शर्ट है मोडोस एक ब्रांड है उसका, और ये कैल्विन की है। यार मैं थोड़ा मेरा बिल्कुल ऐसे हुए बेकार से होता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है अभी फिलहाल। और आज मैंने पूरी फुल पैंट पहन ली है गाइस, क्योंकि अब ठंड बढ़ती जा रही है ना, तो अब मेरे को कच्छे में रहने की आदत है गर्मियों में, बट अब कच्छे में रहने की आदत मुझे सुधारनी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी जा रहा हूँ अपने रूम के अंदर, वहाँ पे देखते हैं चीकू क्या कर रहा है। ये देखो इधर सेल्फी लिया जा रहा है गाइस, मम्मी और बेटे दोनों मिलके। ये देखो गाइस पूरा येलो डर्टी फेलो लग रहा है बाबू। दूध पी लिया भरपेट? अभी दूध नहीं पिया था तो अभी रो रहा था गाइस ये। बाबू फोटो खिंचवाना है क्या? फोटो खिंचवाना है ना, उल्टी मत करना। उल्टी कर देता है, जीभ बाहर निकालता नहीं तो उल्टी कर देता है। उल्टी नहीं करना। ढकार लिया? अभी नहीं लिया ना। खेलने की कोशिश, चलो फोटो खिंचवाते हैं तीनों, ठीक है? खिंचवाए, चलो गोद में ले लो जल्दी से। इधर फोटो खींचना स्टार्ट किया, इधर मम्मी ने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। बाबू मम्मी की भाषा समझता है, मेरी भाषा नहीं समझता, ये नहीं समझते ना बाबू, लेकिन कभी कभी समझ जाता है। सो गाइस चीकू ने अभी येलो जो कपड़े पहन रखे थे उसके अंदर डर्टी फैलो कर दिया है, मतलब पॉटी नहीं कर रही है उसने, सुसु कर दिया है। तो अभी उसकी मम्मी अभी चेंज कर रही है, और हमारा यहाँ पर फोटोशूट चल रहा था और यहाँ पर हमारा गाइस फोटोशूट चल रहा था, तो फोटोशूट भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। फोटोशूट स्पेशल करवाने के लिए गाइस आज हमने फुल बाजू की मैंने टी शर्ट पहनी है, यही वाला लगा था ना वो अब की बात था मैंने, फुल बाजू की टी शर्ट पहनी है देखो, और जो मैंने ही दिया था, और ये भी इन्होंने फुल बाजू की पहनी है, तुमने दिया था ये कैमरे के आगे कुछ भी बोल देती है पागल। ये कौन खरीदा पटना से खरीदा था, तो कौन गया था साथ में? अच्छा चल वो बात की बात है, वो पैसे आगे पीछे हो जाते हैं, मतलब खाते तो एक ही है, मेरा खाता तो अभी फ्रीज है। अब ये बोल रही है मैं जबरदस्ती ये लेने के लिए बोली थी। ये देखो गाइस क्या कर रखी है, देखो पैर पे, पति के पैर पे पैर रख रखी है, पाप लगता है। देखो इधर अकेला। सो गाइस अभी शाम के ना 6 बज रहे हैं, और अभी चीकू मेरी गोद में सोया है, और मैंने इसको अभी नीचे सुला दिया गाइस। देखो इसकी ये छोटी सी मच्छरदानी है, अभी सोते हुए मुंह चलाता है, ये क्यूट लगता है। इसकी मच्छरदानी ढक देता हूँ, लगभग ये 2 घंटा सो जाएगा ना, तब ना ये मम्मी को आराम से किचन में काम करने देगा। गाइस हो गया काम तमाम। ये देखो सो गया था, पर मच्छरदानी लगाते लगाते उठ गया, अब फिर से इसको गोदी में खिलाना पड़ेगा लगभग आधे घंटे के लिए, और बाकी पता नहीं नींद कितनी देर के बाद आएगी। नींद नहीं आ रही बेटा, सो जाना चाहिए ना आपको थोड़ी देर, काम नहीं करने देगा किसी को, अब ऐसे मैं छोड़ भी नहीं सकता इसको। चलो अब क्या है, मूंगफली। ये गाइस देखो ठंड में मूंगफली का स्वाद ही कुछ और होता है, मेरे लिए रखा ये वाला इधर, ये मम्मी लेके आई है गाइस, मम्मी के लिए है। ये मम्मी के लिए है, अरे यार तो मैं तो थोड़ी खा चुका हूँ, और रख दो ज्यादा नहीं, 2-4 दो, मजा आ गया गाइस। बिस्तर में गर्मा गर्म मूंगफली खाने के बाद जो छोड़ते हैं ना, आज तो नहीं ज्यादा नहीं है, 4-5 दाने। मेरे को कपिल शर्मा का शो है ना, उसमें बोलता है रजाई के अंदर बैठे और ऊपर से फूक फूक के खाते रहते हैं मूंगफली तोड़ के, और नीचे और ही गर्म होते रहते हैं।
कपिल शर्मा शो की याद आ गई मूंगफली से। ये शाम का ऐसी ही है टाइम पास, इसको टाइम पास भी बोलते हैं ना मूंगफली को, टाइम पास करने का तरीका है ये, मतलब टाइम पास करने वाला आइटम है गाइस, तो अभी यही खा।